जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें। आइए देखते हैं वीडियो। समझते हैं ये कुछ सोची समझी साजिश हो सकती है, कोई गलती हो सकती है या कोई डिस्ट्रैक्टिंग अमल हो सकता है भारत का किसी बड़ी कार्रवाई से निपटने के लिए। देखिए, बता तो ये लगता है कि उन्होंने मिसाइल टेस्ट करने के लिए फायर किया, लेकिन उनके कंट्रोल से वो निकल गया और एक गलत डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि मिसाइल आर्म था इसके सामने, इसका प्रोजेक्टाइल नहीं इसके साथ था, लिहाजा ये गिर के वैसे किसी जगह पे किसी को जख्मी करता या मार देता वो तो बात है, लेकिन तबाही नहीं मचा सकता था क्योंकि इसमें वो एक्सप्लोसिव वाला पोर्शन नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह आके जिस एरिया में गिरा है वो किसी भी सूरत कोई ऐसा अहम एरिया नहीं है जिससे ये समझा जाए कि ये किसी खास जगह का निशाना किया गया था। तो लगता यही है कि ये इन्होंने टेस्ट किया है किसी वेपन सिस्टम को और वो इनके कंट्रोल से निकल गया है और उसके बाद फिर ये बोले नहीं करके खामोशी से पी गए हैं। अब चूंकि यहाँ पे सारा कुछ ट्रैक हो गया है तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठाए गए और आगे मजीद भी जब तहकीकात होंगी कि किस किस्म का दफन है ये, तो फिर भारत से जवाब मांगा जाएगा। और इसके अलावा वैसे भी ये खतरनाक था कि इतनी हाइट पे जो चीज उड़ के और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और ऐसे रास्ते पे जा उड़े जहां पे कि सिविल एयरलाइंस द्वारा ऑपरेट करती हो, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और इतनी जो हमारे एयरलाइनर्स हैं उनकी जहाज की रफ्तार इतनी नहीं होती। नतीजा ये है कि ये किसी को हिट करता बिल्कुल वो तबाही मच जाती, तो उस लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है, होनी चाहिए, सर्वोच्च होनी चाहिए, पूछना चाहिए सही आइंदा के लिए इसके एहतियाती तदाबीर वगैरह। सही सही ठीक है। और इट इज़ फॉर इंडिया टू एक्सप्लेन, ये DGISPR की जानिब से भी कहा गया कि अब इंडिया से राबता किया जाएगा और पूछा जाएगा कि बेसिकली ये क्या था, ये किस तरह का अमल था, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये गलती थी या फिर इंडिया की इंटेंशंस क्या थी। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है, इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इसके बारे में क्या है? अगर इस तरह से एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर जिस मुल्क की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई है वो क्या कर सकता है? देखिए, पहले तो इंटेंशन वाजे हो जाएं, अगर इसमें ये पता लग जाए कि इंडिया ने हमारे रिएक्शंस टेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, उसमें एक्सप्लोज नहीं था लेकिन उसने देखना शुरू, उन्होंने चेक करना शुरू किया कि ये देखा जाए कि ये किस हद तक अलर्ट हैं, किस हद तक ये ट्रेस आउट इसको ट्रैक कर सकते हैं ऐसी चीज को जो कि आवाज से 3 गुना ज्यादा उड़ रही है, तो वो भी हो सकता है इंटेंशन इसके पीछे। दूसरी भी हो सकती है कि आप एक सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे कि ये किस हद तक अलर्ट। मेरा अपना अंदाजा है कि इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि ये मिसाइल वाकई मिसाइल होता जिसमें कि एक्सप्लोसिव भी होता तो बड़ी तबाही होती, लिहाजा यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए था ताकि इसको ये खुद ना गिरता बल्कि इसको जाता। सही, तो ये भी चीज हमें देखना चाहिए कि क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अलर्ट था नहीं था, अगर नहीं था तो उसको कैसे करना चाहिए। ये भारत को कोई ना कोई इस चीज में अंडरस्टैंडिंग मिली होगी हमारे इस एक्शन से कि हमने उसको गिराया नहीं। और रिएक्शन टेस्ट करना अगर चाह भी रहा था भारत तो डेफिनेटली उसने देख भी लिया होगा कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है और पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज जो है वो इस मामले में कितनी ज़्यादा एक्टिव है। राजा अमीर अब्बास साहब, बड़ी अहम बात आज DGISPR की जानिब से की गई है और इस मौके पर इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि तरीके अदम एतमाद का मामला है और बार बार कुछ इदारे जो हैं उनका नाम भी लिया जाता है, लेकिन आज उन्होंने वाजे किया है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस अहम वक्त पर कितना अहम है, कितनी सिग्निफिकेंस है उनकी इस बात की? देखिए, अभी पहली बात जो उनसी थी जो मिसाइल की बात थी तो उसमें सिर्फ मैं एक बात करता चलूंगा कि आगे 23 मार्च की हमारी आ रहा है सेलिब्रेशंस और इसमें तो बताया जा रहा है कि तमाम OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स और दीगर यूरोपीय और दीगर ममालिक के इन्वॉइस भी इसमें शरीक होंगे, तो ऐसी सूरत में अगर इस किस्म का कोई मिसाइल आता है इंडिया से और वो डिटेक्ट नहीं होता, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता,
कर सका और उसे गिरा नहीं सका। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट और एक इनको इस पे सोचना चाहिए कि अगले दो हफ्तों के बाद ये हमारी सेरेमनी है 23 मार्च की। तो इट्स अ वेरी 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 अलार्मिंग सिचुएशन कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई चीज आ जाए और यहाँ पे पूरे मुल्क के डिग्निटरीज OIC के डिग्निटरीज हों तो इस सिचुएशन को किस हद तक सीरियस लिया जाएगा। सियासत में ये सारी चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं और DGISPR के इस बयान को सियासत से मुताल्लिक क्या देख रहे हैं? लेकिन जो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ये तो समझ आ गई कि अगर इंडिया को मिसाइल लॉन्च करेगा तो हमारा रिस्पांस टाइम 6 मिनट से कम है। हमारे पास 6 मिनट से कम टाइम होगा उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि अगर 6 मिनट में वो मियाँ चन्नू तक है तो अगर वो कहीं और से भी लॉन्च करें तो इसका मतलब है 6 मिनट से तो कम टाइम होगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। लिहाजा हमने अपना जो भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को काउंटर करने के लिए लगाना है, लगाया हुआ है या लगाना हमें चाहिए, उसका रिस्पॉन्स टाइम तो 6 मिनट से कम होगा ही, तो हम भारत के इस मिसाइल टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अलार्मिंग है और इस पे मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साइंटिस्ट और पाकिस्तान के जो हमने चूँकि दुनिया के बेहतरीन मिसाइल बनाए हैं, हमने एटॉमिक टेक्नोलॉजी दुनिया में बनाया है, अपना इंडिजिनस एटम बम बनाया है और हमने GF-17 बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि इस मामले में भी हमारे जो वॉरहेड साइंटिस्ट हैं वो इसको ज़रूर आज देख रहे होंगे और उसका ज़रूर वो एक निज़ाम ऐसा बनाएंगे जो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं को और पाकिस्तान को सेफ कर सके।